महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी, बंद किया गया 18 से 44 साल वालों का वैक्सीनेशन। मुंबई घरों को लगने के लिए बाहर से 1 करोड़ वैक्सीन खरीदेगी बीएमसी, जारी की अंतर्राष्ट्रीय निविदा। बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल ने कहा कि कोरोना से लड़ाई के लिए मुंबई घरों को अगले 60 से 90 दिन में वैक्सीनेट करने के युद्ध स्तर पर कोशिश। महाराष्ट्र में 31 मई तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, जारी रहेंगी जरूरी सेवाएं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 46,781 नए मामले, 816 की मौत। महाराष्ट्र में 58,800 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए, रिकवरी रेट 88%। मुंबई में 2100 नए मामले, पिछले 2 दिन में 2000 से कम आए हैं केस। मुंबई में एक्टिव केस भी घटकर 40,000 से कम हुए, मुंबई में कोरोना ने 14,000 से ज्यादा की जान ले ली। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के करीब 2000 मामले होने का अनुमान, मुंबई में 38 केस। ठाणे में 2 मरीजों की म्यूकोमाइकोसिस से गई जान, 6 और मरीजों का चल रहा है ब्लैक फंगस का इलाज। वैक्सीनेशन की कमी के बीच 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन ने की बैठक। ऑक्सीजन की कमी पर बोले संजय राउत, लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, टास्क फोर्स को करनी होगी मेहनत। भीमा गोरेगांव केस में सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी। मुंबई में 17 मई से 5 दिनों के लिए होगी पानी की सप्लाई में 10% की कटौती। मुंबई के गांधीवली से अकाउंट हैकर गिरफ्तार, पुलिस ने 20 लाख रुपए जब्त किए। गुजरात में 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा केस, 102 की मौत। अहमदाबाद में वैक्सीन को लेकर हंगामा, टोकन बांटने में धांधली का आरोप। गुजरात में चक्रवाती तूफान का खतरा, 17-18 मई को खतरा। बुलढाणा पुलिस के हत्थे चढ़े 2 कुख्यात बदमाश, 20 मोबाइल बरामद। एक्टर राजीव पॉल हुए कोरोना संक्रमित, अस्पताल में भर्ती। शेयर मार्केट में गिरावट का दूसरा दिन, सेंसेक्स 471 पॉइंट्स गिरकर 48,700 के नीचे, निफ्टी में 154 अंकों की गिरावट। बीते 9 दिनों में 7वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, बुधवार को पेट्रोल 22 से 25 पैसे, डीजल 24 से 27 पैसे तक महंगा। बाबा रामदेव की 2 कंपनियों ने आपस में ही की डील, रुचि सोया इंडस्ट्रीज को 60 करोड़ में खरीदेगी पतंजलि नेचुरल बिस्किट। अक्टूबर 2019 के बाद पहली बार वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी, फरवरी में जियो ने भी जोड़े एयरटेल से ज्यादा ग्राहक। टाटा मोटर्स ने बढ़ाया फ्री सर्विस का समय, अब जून तक की वारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। महाराष्ट्र में 18 साल से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि इस आयु वर्ग को लगाने के लिए जो वैक्सीन रखी गई थी वो अब 45 साल से ऊपर वाले लोगों को दूसरी डोज के तौर पर लगाई जाएगी, क्योंकि बहुत ही कम वैक्सीन महाराष्ट्र में बची हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि अगर 45 साल से ऊपर के लोगों को उनके वैक्सीन की दूसरी डोज समय पर नहीं मिली तो वैक्सीन का पूरा प्रभाव नहीं होगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र में लॉकडाउन भी 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। जिसका डर था वही हुआ। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं और सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। मगर फिर भी अब यहाँ 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना की वैक्सीन नहीं लग पाएगी। वजह है वैक्सीन की भयानक कमी। 18 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम 1 मई से शुरू हुआ था और तब से लगातार ही वैक्सीन की कमी बनी हुई थी। मुझे लगता है हमने सीएम साहब से बात करके वो निर्णय अभी लिए है कि जो भी 18 से 44 साल के हमारे पास करीबन 3 लाख डोसेस उपलब्ध है वो हम अभी पूरा स्टॉप करके 45 साल के जो सेकेंड डोज है उसके लिए यूज करने का आदेश स्वास्थ्य विभाग ने महाराष्ट्र के सभी सेंटर्स को दिया है। इस समय महाराष्ट्र में कोविशील्ड की 16 लाख और कोवैक्सीन की 4 लाख दूसरी डोज दी जानी बाकी है, पर सरकार के पास कोविशील्ड की सिर्फ 7 लाख और कोवैक्सीन की 3 लाख डोज ही बची हैं। सरकार को 20 मई के बाद सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन मिलने की उम्मीद है।
रहा सवाल 18 से 44 साल के उम्र के लोगों के लिए, हम तो वैक्सीन खरीदना चाहते हैं, दुनिया के बाजार से भी खरीदना चाहते हैं, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसलिए उसको हमारे को थोड़ा गोसलो करना पड़ेगा, दूसरा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। पिछले कई दिनों से मुंबई और दूसरी जगहों पर वैक्सीन के लिए युवाओं में भयंकर मारामारी दिख रही थी। कोविन पर वैक्सीन का ऑनलाइन स्लॉट मिलना ही इतना मुश्किल, ऊपर से वैक्सीन केंद्रों पर जबरदस्त भीड़, वैक्सीन सेंटरों के सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा मंडराने लगा था। भीड़ की वजह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं हो पा रहा था। इस वक्त हम मुंबई के BKC वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर मौजूद है। ये देश का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पर रोजाना 10,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लग सकती है, लेकिन फिलहाल पिछले कई दिनों से हालत ऐसे है कि कुछ ही लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। वैक्सीनेशन की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। कई सारे सीनियर सिटीजन यहाँ पर आ रहे हैं, 45 एंड अबव एज ग्रुप के, जिनको सेकेंड डोज लग रहा है, लेकिन उनके पास जो है शेड्यूल नहीं है, अलॉटमेंट नहीं है, इसलिए उनको खाली हाथ ही वापस जाना है। और तो और, शहर से लोग 250-250 किलोमीटर सफर करके गांव में वैक्सीन लगवाने जा रहे थे, जिससे वैक्सीन सेंटरों पर झगड़े होने लगे थे, पुलिस बुलवानी पड़ रही थी। इन 12 दिनों के दौरान अक्सर ऐसा हुआ कि वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीन सेंटर बंद करने पड़ गए। फिलहाल मुंबई में BMC ने 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए वॉक इन की सुविधा दे दी है, पर ये केवल सोमवार से बुधवार तक ही होगी। गुरुवार से लेकर शनिवार तक पहले से बुकिंग के बाद ही वैक्सीन लग पाएगी। रविवार को वैक्सीनेशन का काम बंद रहेगा। फिलहाल राहत की बात यह है कि मुंबई में लगातार दो दिन सोमवार और मंगलवार को कोरोना के केस 2000 से भी कम आए हैं। मुंबई में एक्टिव केस भी कम हुए हैं। लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाए जाने से कोरोना के काफी कंट्रोल में आने की उम्मीद है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। कोई भी काम करना हो, जब पूरी दुनिया आगे निकल जाती है तो हमें ध्यान आता है। बच्चों की वैक्सीन पर भी यही हुआ। अमेरिका और कनाडा में जब ट्रायल के बाद 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई, जब वहां पर वैक्सीनेशन बच्चों का शुरू होने वाला है, तब भारत में हलचल हुई। एक बड़ा कदम उठाते हुए बच्चों को कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल की हमारे देश में मंजूरी दी गई। कोरोना से तबाही में देश के लोगों पर जो बीता है, वो कोई भी परिवार अब अपने बच्चों पर बीतता नहीं देख सकता। इसलिए सबको बच्चों की चिंता है, और ये सवाल है कि बच्चों के लिए वैक्सीन लाने पर भारत में क्या किया जा रहा है। हर परिवार की चिंता और सवालों के बीच ये उन सभी को थोड़ा सुकून देने वाली बात है कि 2 से 18 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी दी गई है। वैक्सीन से जुड़ी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश के बाद वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल 2 से 18 साल के एज ग्रुप के 525 बच्चों पर दिल्ली, पटना, नागपुर समेत देश के अलग अलग अस्पतालों में किया जाएगा। इसके अलावा वैक्सीन के फेज 3 का ट्रायल शुरू करने से पहले भारत बायोटेक को फेज 2 के ट्रायल का पूरा डेटा उपलब्ध कराना होगा। ये बच्चों के लिए कोई अलग वैक्सीन नहीं है, ये भारत बायोटेक की वही कोवैक्सीन है जो अभी कोविशील्ड के साथ साथ भारत में टीकाकरण अभियान में इस्तेमाल की जा रही है। हमने जनवरी में ही कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक के कर्ता धर्ता डॉक्टर कृष्णा इल्ला से इस पर बात की थी, जब भारत में टीकाकरण की शुरुआत होने वाली थी। कैन योर वैक्सीन सर बी गिवन टू चिल्ड्रन? आवर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन वुड बी द आइडियल टू गिव इट टू 2 years to 12 months. 12 years and above, we have done already trial. So we want to put a proposal to Drug Controller General and subject expert committees to 2 years to 12 years. We want to do clinical trial quickly, phase 2B or something like that, bridging a small trial with a 300-500, whatever statistics says. We're going to do that because these vaccines can go to children without any problem. No, with which one? Your Covaxin can go to children or your nasal vaccine can go to children? Inactivated vaccine. Your Covaxin. Inactivated, yes, Covaxin. ये सब वैक्सीन 18 साल से कम उम्र की आबादी को अभी इसलिए नहीं लगाई जा रही है क्योंकि इन वैक्सीन के ट्रायल में बच्चों को शामिल नहीं किया गया था और ये पता नहीं है कि बच्चों पर ये वैक्सीन किस तरह से काम करेगी। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और कनाडा में 12 से 15 साल के बच्चों के टीकाकरण के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिली है।
क्योंकि ट्रायल में ये वैक्सीन बच्चों पर उतनी ही प्रभावी बताई गई जितना प्रभावी ये किसी दूसरे पर है। ये अच्छी बात है कि भारत ने अमेरिका और कनाडा जैसे कुछ देशों से सबक लिया और बच्चों के लिए वैक्सीन लाने की प्रक्रिया को तेज करने के कदम उठाए, क्योंकि अमेरिका और कनाडा जैसे देश तो इस पर काफी आगे बढ़ चुके हैं। वहां तो 12 से 15 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू होने वाला है। पूरी दुनिया में बच्चों की वैक्सीन पर तेजी से काम हो रहा है। ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका 6 से 17 साल के बच्चों पर ट्रायल कर रही है। एस्ट्राजेनेका की ही वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से भारत में लगाई जा रही है। अमेरिका में फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियां 6 महीने से 11 साल के बच्चों पर अपनी वैक्सीन के प्रभाव का अध्ययन करने में जुटी हैं। फाइजर की सहयोगी कंपनी जर्मनी की बायोएनटेक का कहना है कि वो यूरोप के देशों में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए जून में वैक्सीन लॉन्च कर देगी। अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन और नोवावैक्स जैसी कंपनियां भी अपनी अपनी वैक्सीन के बच्चों पर ट्रायल की शुरुआत कर चुकी हैं। कनाडा में फाइजर ने 2 से 5 साल के बच्चों पर भी वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया है और उसका दावा है कि इसके अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। बच्चों के लिए वैक्सीन कितनी कारगर होगी, इसके साथ साथ बड़ा सवाल ये भी है कि ये बच्चों के लिए कितनी सुरक्षित होगी। भारत में बच्चों के लिए जिस कोवैक्सीन पर कदम बढ़ाए गए उस पर कंपनी को तब से बड़ा भरोसा है जब से इसे भारत में टीकाकरण के लिए मंजूरी मिली थी। तब कंपनी के CMD डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने आज तक से बातचीत में कहा था कि वो अपने 6 साल के पोते को वैक्सीन देने में हिचकेंगे नहीं। You said you'll put you'll give your grandson the vaccine. Has he got the vaccine? How old is your grandson? Will you give him the vaccine? My grandson is 6 years old. I don't mind putting on 16th vaccination. अब सबको उम्मीद यही है कि बच्चों के लिए वैक्सीन पर तेजी से काम किया जाए, तेजी से ट्रायल के नतीजे आए और हर पैमाने पर खरा उतरने के बाद इससे जल्द से जल्द बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत हो, जिससे हर परिवार की चिंता दूर हो। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस का तांडव पूरे देश में जारी है, वहीं अब ब्लैक फंगस का संक्रमण भी बहुत तेजी से फैल रहा है। सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 2000 केस सामने आए। ठाणे में इस बीमारी से 2 लोगों की मृत्यु हुई। ये बीमारी उन लोगों को विशेषकर अपने शिकंजे में ले रही है जो कोरोना से हाल ही में ठीक हुए। जब कोरोना वायरस का इंडियन वेरिएंट तबाही मचाए हुए है, ठीक उसी वक्त ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस के 50 केस मिले हैं। गुजरात में 700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। राजस्थान में पिछले 5 दिनों में 60 ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बाद सैकड़ों मरीजों में ब्लैक फंगस फैल रहा है। ये ब्लैक फंगस के संक्रमण की घटना सामने आ रही है और वो बहुत भयानक है। जो सुना है आपको, जो इफेक्ट होता है, बाकी जो प्रभाव होते हैं, किसी का पूरा जबड़ा ही निकाल देना पड़ा, आंख निकालनी पड़ी, ये मेरा चिंता का विषय है। भीलवाड़ा की कल्ला देवी कोरोना से ठीक तो हुई, लेकिन 1 सप्ताह बाद दोनों आंखों की रोशनी कम होने लगी तो डॉक्टरों ने कहा कि म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की समस्या है। कोविड के 13 से 14 दिन बाद जब ये रिकवर होने में अप्रोक्स हो गए थे, कोविड की रिकवरी कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद इनको जो है सिर में दर्द और जबड़े में जो दर्द हुआ था, उसके साथ साथ कान में दर्द हुआ और आंखों में स्वेलिंग आके एक आंख जो है पूरी बंद हो चुकी थी। देश एक तरफ कोरोना से जूझ ही रहा था कि ब्लैक फंगस ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। म्यूकोर माइकोसिस नाम की बीमारी की वजह से लोग लगातार अस्पताल में पहुंच रहे हैं। जयपुर के ENT अस्पताल में 4 दिनों में करीब 40 इस तरह के मरीज आ चुके हैं। ब्लैक फंगस से होने वाली इन्फेक्शन म्यूकर माइकोसिस को हल्के में मत लीजिए, ये एक बेहद दुर्लभ संक्रमण है। आमतौर पर इन्फेक्शन नाक से शुरू होकर आंख और दिमाग तक पहुंचता है। अगर इसे शुरुआत में ही डिटेक्ट कर लिया जाए तो मरीज ठीक हो सकता है, लेकिन अगर देरी हुई तो ना सिर्फ जानलेवा है बल्कि जो बच रहे हैं उनकी आंखों की रोशनी जाने का खतरा बना हुआ है। ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिमाग में इसके पहुंचने पर मरीज की मौत होने की आशंका 70 से 80% तक होती है। ऑपरेशन के बाद भी मरीज को बचाना बेहद मुश्किल है।
20% लोगों को ये दिमाग में भी फैल चुकी है, उनका इलाज ऑलमोस्ट नामुमकिन है। कोशिश जारी है फंगस की दवाई काम करे, लेकिन बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको घातक भी कहते हैं, क्योंकि नाक से जबड़े से आंख में जाता है और आंख से बहुत जल्दी दिमाग में फैलता है। अगर ये ब्रेन में चला जाता है तो ऑलमोस्ट 100% मोर्टैलिटी है, मतलब जानलेवा होने का रिस्क बहुत ज्यादा है। सो इसको टाइम से पहचानना और ट्रीट करना बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है कि म्यूकर माइकोसिस किसे शिकार बना रहा है। मोटे तौर पर जिस भी व्यक्ति की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहद कमजोर है, वो इसकी चपेट में आ रहा है और यही बात इसे कोविड मरीजों से जोड़ती है। सबको मालूम है कि जो कोरोना से ठीक हुए हैं उनकी इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है, यानी ब्लैक फंगस तीन तरह के मरीजों को अपना शिकार बना रहा है। पहले कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीज, दूसरे डायबिटीज के मरीज और तीसरे कोविड 19 के वो गंभीर मरीज जिन्हें बचाने के लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल हो रहा है। यानी इन तीनों कारणों से मरीज की इम्यूनिटी कमजोर होती है और लापरवाही बरतने पर वो ब्लैक फंगस की चपेट में आ जाते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ये फंगस एक मरीज से दूसरे मरीज में नहीं फैलता, लेकिन किसी के शरीर में इस फंगस की एंट्री हो गई तो ये शरीर में बहुत तेजी से फैलता है। यानी अगर किसी को इसके लक्षण दिखें तो देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। ब्लैक फंगस जो है इसको हम लोग म्यूकर माइकोसिस कहते हैं। म्यूकर माइकोसिस एक काइंड ऑफ फंगस जो अधिकतर ये ऐसे आता है जो सॉयल में होता है, और आप ये भी देखा गया है कि जो पाइप्ड ऑक्सीजन होती है हॉस्पिटल में उसके थ्रू भी आ जाता है, और ये देखा गया है जो पेशेंट लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी पर है। ब्लैक फंगस के लक्षण और उसके शिकार मरीजों को देखने के बाद एक्सपर्ट कम इम्यूनिटी वाले मरीजों के लिए इस बीमारी को घातक बता रहे हैं। यानी हर वो शख्स जो कोरोना से ठीक हुआ है या जिसे शुगर की शिकायत है या फिर कोई और गंभीर बीमारी है, उसे अपने शरीर की इम्यूनिटी पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जयपुर से शरद कुमार, भोपाल से रवीश पाल सिंह, दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ जितेंद्र वर्मा, होशंगाबाद आज तक। कोरोना ने हजारों जिंदगियां छीन ली, कई परिवारों को ऐसे जख्म दिए जिनकी भरपाई असंभव है। ऐसा ही एक परिवार है अहमदाबाद का, जिस परिवार में अकेला कमाने वाला कोरोना का शिकार हो गया। अहमदाबाद के इस परिवार में कभी खुशियों का बसेरा था, लेकिन अब यहां आंसुओं का डेरा है। दीवार पर एक तस्वीर लगी है, तस्वीर पर माला चढ़ी हुई है। इस तस्वीर को देखकर जिस महिला की आंखें भर आई हैं, वो एक मां है जिन्होंने कोरोना संक्रमण में अपना बेटा खो दिया। दीवार पर लगी इस तस्वीर में निखिल अजमेरा की मुस्कान आपको दिखाई दे रही है, लेकिन उनके जाने के बाद तो परिवार की जिंदगी में जैसे अंगारे भर आए हैं। अभी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 40 साल। निखिल की पत्नी मेधा के आंखों से आंसुओं की बरसात रुकती नहीं, आंखों में सवाल कि कैसे कटेगी आगे की जिंदगी। कभी कोई बंदा ये नहीं सोचता है कि मेरे पे ये मुसीबत कभी भी लाइफ में आएगी। अब ये जो आ चुकी है उसको भुला तो हम जिंदगी भर नहीं पाएंगे, बट ये चीज है उसमें से बाहर भी निकलना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो हम खुद नहीं मैनेज कर पाएंगे खुद को। ठीक है, और द थिंग इज थोड़ा थोड़ा डिप्रेस हो जाती हूँ, कभी कभी सोचने भी लगती हूँ, बट वो सोच में फिर एक स्टाइल पे बैठ भी जाती हूँ कि कुछ तो करना ही पड़ेगा इसमें बाहर निकलने के लिए। अहमदाबाद के अजमेरा परिवार पर कोरोना काल बनकर आया। 10 दिन तक निखिल अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझते रहे। परिवार को लगा कि वो बच जाएंगे, लेकिन सांसों की डोर टूट गई। निखिल को अब इस दुनिया से गए 1 महीने हो गए हैं। वही एक कमाने वाले थे, परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा, साथ ही चुनौती भी कि अब ये घर कैसे चलेगा। अभी देखते देखते तो महीना गुजर गया, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या करूं, थोड़ा रोई 10-12 दिन तक।
फिर मेंटली सोचा कि स्ट्रांग तो होना पड़ेगा, धीरे धीरे सेट हो रही हूँ, या तो उनका बिजनेस या तो कुछ करूँगी, क्योंकि घर चलाना है, अब बेटी को बड़ा करना है, मम्मी की जवाबदारी मेरे पे है, तो वो सब भी देखना है। अब उसके हिसाब से सोच रही हूँ कि जिस तरह से भगवान कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो दिखाएगा कि भाई आगे मुझे हिम्मत दे, और बस इतनी हिम्मत से मुझे आगे बढ़ाए कि मैं अपना घर मैनेज कर पाऊँ बस। निखिल अजमेरा की बेटी यशस्वी के आंसू थमने का नाम नहीं लेते। अपने पापा की लाडली जब उन्हें याद करती है तो आंसुओं में भीग जाती है। इन आंसुओं की बरसात के बीच भी उसे ध्यान है अपने पापा के सपनों का, जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए देखे थे। उनके साथ मस्ती, उनके साथ वॉकिंग पे जाती थी मैं हर रोज, फिर उनके साथ गेम खेलती थी, टीवी देखती थी, उनके साथ ही सोना उठना सब था। अभी तो कुछ पता नहीं, पर मैं पापा का ड्रीम पूरा करूंगी, उनको प्राउड कराऊंगी फील, और उनको जो चाहिए था वो सब कुछ मैं करूंगी उनके लिए। निखिल अजमेरा को इस दुनिया से गए महीने भर हो रहे हैं। मेधा अजमेरा अब अपने पति के सपनों को पूरा करने के लिए कमर कस चुकी है। भरोसा उन्हें भगवान पर है, अपने पति की यादों पर है, यकीन है उनके पति कहीं नहीं गए हैं, अपनी यादों के रूप में उनके आसपास ही हैं। उसके सपनों को पूरा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पापा की जो इच्छा थी वो मेरे पे डाल के गए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं 100% मेरी तरफ से 100% पूरी करूंगी, और मुझे उसके लिए पता है कि भगवान मेरे साथ है, इवन मेरे पति सब जगह मेरे साथ ही है, वो मुझे कहीं अटकने नहीं देंगे। कुछ भी ऐसा लगता होगा तो वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छी सी राह दिखाई देंगे। ना मैं इसके पापा वापस ला सकती हूँ, ना मैं मेरा पति वापस ला सकती हूँ, ना मम्मी का बेटा। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण अब थोड़ा इसमें जूझना पड़ रहा है, हो जाएगा, उसमें भी भगवान साथ देंगे हमको। निखिल इस परिवार की जिंदगी की डोर थी, जिसमें उनकी माँ, उनकी पत्नी और उनकी बेटी गुथी हुई थी। लेकिन निखिल के सांसों की डोर ही टूट गई, उनके बिछो में पूरा परिवार टूट सा गया था। अब संभल रहा है, क्योंकि जिंदगी रुकती नहीं है, क्योंकि चलना ही जिंदगी है। कोरोना ने लोगों को कुछ ऐसे घाव दिए हैं जिसे वक्त कभी भर नहीं सकता है। किसी ने अपने पिता को खोया है तो किसी ने अपने पति को, लेकिन ये जिंदगी है और जीनी तो है ही। इसी के साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपनों को खोने के बावजूद खुद के लिए नहीं तो परिवार के दूसरे लोगों के लिए इस गम को उठाकर जी रहे हैं। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो।